दोस्तों कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज 3 फरवरी है, संडे है, आप लोग संडे मना रहे होंगे। चलिए एंजॉय कीजिए। आपके लिए एक वीडियो लेके आया, अशोक लेलैंड लिमिटेड। अशोक लेलैंड लिमिटेड पे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारे फॉल हो रहे थे, गिर रहे थे। अभी थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी आई है, तो मैं सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। एक बार जल्दी से इसके फाइनेंशियल इश्यू को देख लेते हैं। अच्छा, ये कंपनी क्या करती है? तो कंपनी इज इंगेज इन कॉमर्शियल व्हीकल एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स थ्रू इट्स सब्सिडियरी। इट इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग मीडिया ऑफ हेवी कॉमर्शियल व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ऑटोमेटिव व्हीकल, फाइनेंसिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन सर्विसेज इटीसी। अभी 83 पे चल रहा है, इसका हाई क्या था? 167। डिविडेंड देती है 2.90%। सेल्स ग्रोथ 24% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 28%। डेब्ट 1,002 करोड़ का है। इंटरेस्ट कवरेज 34% है, 34 टाइम्स है। प्राइस टू कैश देखिए कितना अच्छा है, 4.53। मुझे लगता है ये फ्री टाइप का शेयर है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने को जानना भी ज़रूरी है कि वो ऐसा क्या कॉन्स्टेंट है जिसमें। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे। तो प्रोज में क्या, कंपनी इज रिड्यूस डेप्ट, वर्चुअली डेप्ट फ्री, एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर, कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट, मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो, अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग परसेंटेज में देखें तो प्रमोटर 51% है, नो चेंज दिसंबर में। लेकिन वहीं पे प्लीज 4.33% का गिरवी रखा हुआ शेयर है, ये एक कंसर्न है केवल। बस इन्होंने क्यों गिरवी रखा? जब कैश पोर्शन अच्छा था, सब अच्छा था, तो गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? 33 स्कीम में म्यूचुअल फंड में है। FI 436 FI है 21% के होल्डिंग के साथ। सबसे ज्यादा हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड 34% की इन्वेस्टमेंट है इनकी। और पब्लिक शेयरहोल्डर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड के पास है 1.72। तो ये सारे आपके फंड जो होल्डिंग परसेंटेज है ये है। उसमें अभी रिसेंटली FI और म्यूचुअल फंड ने दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा पोर्शन एग्जिट किया है। और इंश्योरेंस कंपनी ने एडिशन लिया है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है रिटेलर टाइप के, उन्होंने ऐड किया है। रिकमेंडेशन देख लेते हैं। अभी सारे खान ने 24 दिसंबर को रिसेंटली रिकमेंड किया है इसको। और इसके लिए टारगेट जो रखा है वो 117 का टारगेट रखा है, 117 को। इसके पहले SPS सिक्योरिटीज ने भी रखा था 147 के लिए, और उसके पहले रेलिगेयर ने रखा था 144 के लिए, और उसके पहले भी देखे तो HDFC सिक्योरिटीज ने 150 के लिए 14 नवंबर को रखा था। जियोजित फाइनेंशियल ने 125 के लिए रखा था। तो सभी लोग देखेंगे तो मोर देन 100 का टारगेट रखे हैं लगभग। और अभी सबसे रिसेंट जो है वो कौन है, अभी सबसे रिसेंट सारिका ने रखा है 117 का टारगेट। अभी इसमें देखेंगे, अगर एक बार हम इसको डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो देखिए क्या हुआ है। कल 1 तारीख को क्या हुआ है, नॉर्मल वॉल्यूम इसका क्या है, 1,08,00,000, 1,13,00,000, 2,79, 1,34, 3,13, 2,48, 2,4, 2,72, 1,72 से 3 के रेंज में हो रहा है। अभी 31 को उसने क्या किया, 3,62,00,000 की क्वांटिटी ट्रेड की, और 1 को क्या किया, 6,50,00,000 का। ये ट्रेड तो हुआ, और प्राइस क्या हुआ, 81 का सीधे 84 पहुंच गया। वॉल्यूम भी डबल हुआ और प्राइस भी आपको सीधा गेन आपको मिल गया, 5% से ऊपर का गेन मिल गया। तो एक दिन में 5% का रिटर्न दे दिया। आप देखेंगे अशोक लेलैंड को तो 2.27% इंक्रीज के साथ 83.55 पे बंद हुआ है विद पॉजिटिव टर्न। 80 पे उसका 81 की ओपन प्राइस थी, 80 का लो बनाया, 87 का हाई बनाया, और फिर 83 पे जाके क्लोजिंग दिया पॉजिटिव है। सेंटिमेंट 75% पॉजिटिव है। वेटेड एवरेज एक बार वॉल्यूम इसका देख लें तो ये भी 84 की जगह 83, यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है, 84 की जगह 83 दिखा रहा है, प्राइस में उतना अच्छा नहीं दिखाया। लेकिन अब इसको एक चीज जान लेना जरूरी है कि ये देखिए, अगर बोलिंगर बैंड के देखें तो ये देखिए बोलिंगर बैंड की यहाँ पे इंडिसेस जो विषय बना के अपर साइड ले रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको वाच रखना चाहिए। और अगर मैं RSI का बोलूँ तो RSI देखिए ये बहुत नीचे चला गया था 18, अब सीधा 29 पे पहुँच चुका है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका था ये। और अगर मैं इसके मूविंग एवरेज की बात करूँ तो इसका जो अभी मूविंग एवरेज 9 डेज का वो 84 है, ये क्रॉस कर लेगा मोस्ट प्रोबेबली 84, तो 89 की ओर जाएगा,
और 89 क्रॉस करेगा तो 96 की ओर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जो कि इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज होगा। ये चांसेस है, ये अभी ऊपर की ओर ले सकता है। अब इसमें अगर इस तरह भी 50% अगर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हिसाब देखें तो 100 रुपीज़ का इसका जो 23% रिट्रेसमेंट जो होता है वो आता है आपका 100 रुपीज़ आता है, जो कि 23% के आसपास आता है। तो ये एक बार 100 रुपीज़ को टच करने का कोशिश कर सकता है। अगर मैं डेरिवेटिव में बात करूँ तो डेरिवेटिव में देखिएगा सारे पॉजिटिव कॉल के साइड में पॉजिटिव बने हुए हैं और सब में अच्छी खासी बाइंग चल रही है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको जो देखने को मिल रहा है 24,48,000 वो 90 रुपया पे देखने को मिल रहा है 90 रुपीज़ पे। तो 90 रुपीज़ की ट्रेडिंग लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है 2.35 रुपया। चलिए इसको डिटेल जाकर देखें तो देखिए ये क्या है, 90 रुपया का कॉल है, 28 फरवरी का है और अगर हम जाके देखें तो लो बनाया था 155 का, हाई 360 का और क्लोजिंग दिया है 235 पे। 11,40,000 का इसमें बाइंग है और 15,24,000 का सेल क्वांटिटी है। चेंज इन ओपनिंग इंटरेस्ट कितना है 99% चेंज इन ओपनिंग इंटरेस्ट है। तो कोई चाहे तो इस पे ट्राई कर सकता है। इसका लॉट साइज क्या है 4,000, मार्केट लॉट क्या है 4,000। तो कोई चाहे तो इस पे ट्राई कर सकते हैं। उसकी अंडरलाइन वैल्यू क्या है, मतलब कि स्टॉक प्राइस क्या है, आपको जो बताया गया यहाँ पे 83.55। तो आप 83.55 है तो आप वहां पे लेकर के आप समझिए इसको 90 का आप ले रहे हैं तो 6 रुपये का अपसाइड आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको जो मिलेगा वो 2.35 के आसपास मिलेगा और 4,000 का लॉट है, 4,000 × 2 तो 8,000 और 12 × 12 तो 9,200 के आसपास आपको 9,600 जो भी लगेगा इस हिसाब से आपको लगेगा यहाँ पे। तो कोई चाहे तो 28 फरवरी के अशोक लेलैंड का पुट का 90 का पुट को ट्राई कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ है, मैं कोई बाय रिकमेंडेशन मेरी नहीं है आपको। जैसा मैंने बता दिया यहाँ पे देखेंगे अशोक लेलैंड 1 फरवरी 2009 28 फरवरी का ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, यहाँ पे रेड है मतलब सेल शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे बाइंग हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और एट द मनी आप देखिए, एट द मनी जो है 85 पे देखिए क्या हो रहा है, 85 पे यहाँ 4,68,000 का एडिशन हो रहा है, यहाँ 3,00,000 का हो रहा है, 19,12,000 का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, इधर 8,80,000 का। मीन्स ए साइड में रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम है तो पॉजिटिवनेस इधर दिख रही है, बाइंग साइड दिख रही है। तो हो सकता है एक बार ये 90 की ओर आपको दिखाए और वो इसके लिए ज़्यादा प्रेफर लग रहा है कि वॉल्यूम देखिए यहाँ पे 6,50,00,000 का। इसका रेसिस्टेंस क्या है तो आप इसका रेसिस्टेंस देखिए ये 75 क्या, ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये लेवल, इस लेवल को आप देख लीजिए, ये लेवल 74, 75, 76 जो समझिए आप, तो 75 के स्टॉप लॉस से इसको बना के रखिए। 75 से ये नीचे मेरे अंदाज से अब ये नहीं जाएगा, इसका जो लास्ट फॉल है वो 75 का है तो आप इसको 75 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। इसका बहुत से बहुत जो लो होगा वो 73, 74 यही होगा, तो 73.45 आ रहा है तो आप 73.45 या 74 के स्टॉप लॉस से या 75 के स्टॉप लॉस से जो आपको लगे उसके हिसाब से आप इसको सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हिट हो गया तो आपका चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आप देखिएगा ना इस लेवल के बाद, ये लास्ट लेवल जो है यहाँ पे ना 75 के आसपास 76 जो अभी लिया है यहाँ पे भी सपोर्ट है। वॉल्यूम से देखें तो यहाँ पे 78 के आसपास ही सपोर्ट है जहाँ से ये ऊपर लिया है, लेकिन अगर स्ट्राइक से देखें तो 74.75 आ रहा है। इसके बाद इसको कोई सपोर्ट नहीं है तो ये सीधा जा करके टेस्ट कहाँ कर सकता है, ये सीधा करके वो 40 के आसपास आ सकता है यहाँ के बाद। तो अशोक लेलैंड में ऐसा कुछ नहीं है कि 4% के सिर्फ गिरवी, एक नेगेटिव खाली क्या बताया आपको यहाँ पे, एक ही नेगेटिव है इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो कि 4.33% है, बाकी इसका कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हो 23% है, 24% है, प्राइस टू बुक वैल्यू कैश फ्लो देखिए 4.5 टाइम्स, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिएगा तो बहुत ही सस्ता ये मिल रहा है आपको, सिर्फ 3.47 टाइम्स में मिल रहा है। ये दोनों चीज़ देखें तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट लगता है, विद डिविडेंड 3% का आपको पे आउट दे रहा है तो 3% के डिविडेंड के साथ ऐसी कंपनी में आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेडर भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। अभी ये 90 की ओर अपने को दिखाएगा, ये 90 की ओर जाएगा एक बार,
जाने का संभावना है इसमें, पूरी संभावना है कि ये 90 की ओर जा सकता है। और उसको सपोर्ट करता है ये वॉल्यूम, 6,50,00,000 का वॉल्यूम ये सपोर्ट करता है। तो अशोक लेलैंड में अभी राइट नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है 90 के लिए। तो कोई भी है 90 के लिए एक बार इसको टेस्ट कर सकते हैं, या 90 का जो कॉल बताया 2.35 रुपये के अराउंड ये रहा, ये मिल रहा है, इस पर भी कोई टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको अगर मार्केट में लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लेंगे, इसी पे एजुकेशनल पर्पज से हम आपको बताते हैं। और या पेपर ट्रेड करके इसको देखें कि कैसा रहता है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप भी सीखें फिर मार्केट में पोजिशन बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।